वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग है हमारे जो से डेली पाकिस्तान के उसके क्या कहते हैं एंकर यासर शामी भाई, इनकी वीडियो से मैं बहुत ज्यादा एग्री हूँ, बहुत ज्यादा सोचता हूँ इनकी वीडियो को देखकर कि यासर शामी की भाई की बातें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। वो इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि मैं YouTube आने का मकसद ही यासर शामी भाई है। इनकी एक वीडियो थी जिसमें इन्होंने कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो पीछे चला गया सो चला गया, डीठों की तरह काम कर ही जाओ, टेंशन ही लेनी लोगों की। वो कहते हैं ना 40 साल तक हम लोग यही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो 40 साल बाद जाके हमें पता चलता है कि लोग तो हमारे बारे में सोचते नहीं है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी नाकामी यही है कि हम लोगों का सोच सोच के ना अपनी जिंदगी खराब करके बैठ देते हैं। इसका एक ही हल है, दुनिया का सोचना छोड़ दो। ये जो सी बात है ना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और जितने ये नए यूट्यूबर हैं, मैं भी नया हूं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मायूस मत हो, मायूस हो गए तो आप फारिग। ये यासर भाई की वीडियो एक दफा देख लें। एक इनकी वीडियो है कासिम अली शाह अकेडमी में, इन्होंने एक वीडियो में बयान किया था, अपने कुछ कासिम अली शाह के स्टूडेंट थे उस पर इन्होंने कुछ बातें बताई थी। एक इनकी ये वीडियो मिली है मुझे टाउन लाइफ में, इन्होंने इस वीडियो में कुछ कहा है, आप जरूर सुने। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बेशक मत करें, पर ये वीडियो सुन लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लोगों का ना सोचें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। सोशल मीडिया मैंने 2014 में स्टार्ट किया, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं कोई लंबी छुरी तकलीर करता भी नहीं और ज़्यादा देर मुझसे सीरियस मैन रहा भी नहीं जाता, मेरा ब्लड प्रेशर लो नहीं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर माइक पर सबसे पहली वीडियोस हमारी बनी और ऑन रेकॉर्ड पड़ी हैं, डेली पाकिस्तान पर पड़ी। आज हम पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बड़ा ख्वाब देखें, मिले ना मिले इट्स अ पार्ट, आप किसी की लेग पुलिंग ना करें, आप हैं, नो वन कैन रिप्लेस यू, यू आर यू। 100% राइट, यू एंड यू। यासर शामी को हम बुलाने जा रहे हैं, आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि यासर शामी सेंसेशन है सोशल मीडिया पर, किस वजह से? अपने मजाक की वजह से, अपने रवैये की वजह से, अपने एक अलग स्टाइल की वजह से। आप लोगों को एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली जिस तरह से वो पारी गर्ल की बात हो रही है कि वो मशहूर हो गई, वो मशहूर हो चुकी, लेकिन अगर अपने उस टैलेंट को वो उस तरह से ठीक तरह से लेकर नहीं चलेगी तो वो नहीं रह सकेगी। एक बात, यासिर का एक क्लिप वायरल हुआ और यासिर ने उस क्लिप के जरिए से फिर अपने उस टैलेंट को जिस तरह से प्रमोट किया है और फिर उस प्रमोशन में जितनी मेहनत थी वो मैं जानता हूँ या बाकी दोस्त जानते हैं। शदीद गर्मी होनी, रमजानुल मुबारक का महीना होना और बाइक पे यहाँ से सफ़र करना और शाहदरा तक जाना और स्टोरी कवर करके आना, ये दिल गुर्दा भी तो होना चाहिए ना। फिर यासिर शामी सेंसेशन बनता है, फिर यासिर शामी जो बात कर देता है वो ट्रेंड में आ जाती है यूट्यूब के। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा यासिर शामी को। जो इनके भाई हैं मियाँ हनान साहब और मियाँ अब्दुल गफार साहब, उनके साथ एक बड़ी चीज भी है, बड़े भाई भी हैं। मैंने मैस कम्युनिकेशन नहीं किया हुआ फॉर्चुनेटली, तो मुझे ये लगता है कि ये टैलेंट, एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म, टू एजुकेट समवन, टू इन्फॉर्म समवन, टू एंटरटेन समवन इज समथिंग एल्स। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करता भी नहीं और ज़्यादा देर मुझसे सीरियस मैन रहा भी नहीं जाता, मेरा ब्लड प्रेशर वेरी गुड, तो अपनी सिर्फ जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा थोड़ी सी। और उससे पहले खुशखबरी देना चाहूंगा, ये लोग समझते हैं कि he's my companion, he's my brother, आपका ये उस्ताद है। जर्नलिज्म बहुत मुश्किल काम है और इसको हर शख्स नहीं कर सकता। एंटरटेनमेंट बहुत आसान है, हंसाना मुझे लगता है कि बहुत आसान है, शायद मैं हंसा लेता हूँ इसलिए मुझे लगता है, लेकिन एक सीरियसनेस में आपने किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करना, आपने एथिक्स का ख्याल रखना है। तो मैं तो एथिक्स से बड़ा मुबर्रा हूँ, मुझे इन टर्म्स का नहीं पता, तो वो आप मेरी वीडियोस में भी आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं और मैं यहाँ पे आपको एथिक्स के अगर वो लेक्चर्स दूँ तो मेरा ख्याल है वो मैं अपने आप के साथ ज्यादा करूँगा।
सोशल मीडिया मैंने 2014 में स्टार्ट किया, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, मोबाइल फोन और एक माइक, आई वॉज द पायनियर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर माइक पर सबसे पहली वीडियोज हमारी बनी और ऑन रेकॉर्ड पड़ी है डेली पाकिस्तान पर पड़ी। 2014 में जब मैंने डेली पाकिस्तान को ज्वाइन किया था तो उनके 7 लाख फॉलोअर्स और आज हम पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे 17 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस 6 साल में। अब इस पूरी जर्नी में मेरा टैलेंट था, मेरी वीडियो थी नहीं थी, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं मैस कम्युनिकेशन करूँगा या मैं मैस मीडिया की फील्ड में आऊँगा या मैं इतना वायरल हो जाऊँगा। ये बुज़ुर्गों की जूतियों का सदका है, सब कुछ आता है, मुझे लगता है काम बड़ा नहीं है, दुआएं बड़ी हैं मेरे साथ। तो यूनिवर्सिटी में मतलब मैं बड़ा सेल्फ मेड पर्सन हूँ और मैं मुझे खुशी होगी आप सब लोग यूथ हैं, मैं आपको बताऊँ मेरे पास आई डिडेंट हैव इवन अ सिंगल पेनी इन माई पॉकेट। मैंने खाली स्टमक देखा है, मैंने खाली जेब का कुर्ब दर्द तकलीफ उसको महसूस किया है। मेरे सारे दोस्त कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं पेट भर के पानी भी पी लेता था। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है और वो सब तमाम लोग जो UMT में पढ़ते हैं, मियां गफार साहब इनके भाई आई विटनेस हैं इस चीज़ के। मैं उनके ऑफिस में जाके रोता होता था, मैम आप घर जाके उनसे कन्फर्म कर लीजिएगा, ही विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे कहते थे कि एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा। उस्मान रजा थे, वो मेरे ख्याल आपकी फैकल्टी में इस वक्त, जिसके सर ने कह दिया वो आई विटनेस हैं इस चीज़ के, वो आपको बताएंगे। आप UMT में जाएं, डॉक्टर हसन सुहेब मुराद अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, उन्होंने मेरा 100% स्कॉलरशिप ऑन कर दिया था। उसके बाद मैं जाके होम ट्यूशंस भी पढ़ाता था, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की बाइक पर। ये शादरा वाली बात की सफदर ने, मेरे ये सारे बाल ब्राउन हो चुके थे गर्मी की वजह से, इतनी मेहनत की है। टैलेंट है आपके अंदर, टैलेंट चलेगा, लेकिन उस टैलेंट को चैनलाइज करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको उस मुकाम पर पहुंचना पड़ेगा। फिर आप कितने विटी हैं, आप कितनी जल्दी उस चीज़ तक पहुंचते हैं, चेन बनानी है आपने, सबसे पहले पहुंचना है। और आज मैं, आप सब लोग मेरे बहन भाई हैं, मेरे असाज़ा बैठे हैं, फैकल्टी स्टाफ बैठा है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया की ये पावर थी। मैं 2021 की जियो की रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट और मैं आप सब लोगों को ये बता, अगर कोई आप में से देखना भी चाहता है तो वो कांटेक्ट मेरे पास मौजूद है। फरुख को 2 दिन पहले मैंने वो दिखाया, मुझे ARY से भी ऑफर थी, मुझे जियो से भी थी। अब मेरे लिए ये मुश्किल था कि मैं इन दोनों में से किसको चूज करूं। ARY में वो सब मेरे दोस्त हैं, तो मुझे लगा कि अपने दोस्तों के साथ अगर कॉम्पिटिशन करते हैं, पर्सनल लाइफ तो उनके साथ बड़ी अच्छी है मेरी, बदामी साहब, इकरार, शाहजेब इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे ये लगा कि मुझे उस कंपटीशन में जाना है जिसमें मैं वसीम बदामी नहीं बन सकता। वसीम बदामी का एक बड़ा नाम है, 18 साल की उसकी जिद्दोजहद है, लेकिन अगर मैं उस तक ना भी पहुंच सका, 2 स्टेप नीचे भी रहा, तो मेरी जीत यही होगी कि मैं उसके सामने खड़ा हूं। लेकिन वो मेरा सीनियर है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, इज्जत में कमी नहीं आएगी, सीनियोरिटी में कमी नहीं आएगी। बड़ा सोचें, बड़ा बड़ा ख्वाब देखें, मिले ना मिले इट्स अ पार्ट, बड़ा मांगे, बड़ी चीज़ें मांगे, नीयत साफ रखें। और जो आखिर में एक टिप है जो मैंने अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट की है, आप किसी की लेग पुलिंग ना करें, जो आ रहा है आने दें, आप हैं, नो वन कैन रिप्लेस यू, यू आर यू। आपने किसी की लेग पुलिंग नहीं कर रही है, और जो आ रहा है उसको आने दें, बिकॉज योर एक्शन विल बी जस्ट बाय योर इंटेंशन। नबी करीम सल्लम की हदीस है, तो अपने जो नीयत है इसको साफ रखें और जो आ रहा है आने दें। और जो आप लोगों के लिए मैसेज है, मोबाइल पकड़ें और शुरू हो जाएं। एंटरटेनमेंट में आप जो मर्जी करें, कोई शख्स आप पे उंगली नहीं उठा सकता। जो सियासी बात है, सियासत में अब तो पगड़ियां उछलने लग गई हैं, आप किसी का भी नाम लेते हैं, उस पर बात करते हैं विदाउट एनी इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन, आप उसको जलील कर देते हैं। और देयर इज नो डेफेमेशन लॉज इन पाकिस्तान, अगर हैं भी हैं तो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो कोशिश करें आप पॉजिटिव रहें, गंद की उम्र छोटी होती है और जो पॉजिटिविटी है इसकी उम्र बड़ी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और पॉजिटिव की उम्र हमेशा। सर तो कैसे लगी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा,
ये वीडियो खास मैंने इसलिए बनाई है कि ये उनके लिए जो मायूस हो जाते हैं यूट्यूब से कि यार क्या करेंगे, मेहनत है भाई, मेहनत करो तो फल मिलेगा। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने किसी से क्या कहना है कि मैंने बहुत पहले यूट्यूब पे एक चैनल बनाया था, वो मैं मायूस हो गया, मैंने छोड़ दिया। कुछ अरसा गुजरा, फिर मैंने एक साल डेढ़ साल बाद फिर एक मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो फिर मैं उस पर लगाई कोई 30 से 40 वीडियो लगाई, फिर मैं मायूस हुआ, मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैं दोबारा फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, फिर मैं मायूस हुआ और फिर चला गया। फिर मैं चौथी दफा फिर आया, मैंने फिर एक यूट्यूब चैनल बनाया गेमिंग का, गेम फिर मायूस हुआ फिर चला गया। अब पांचवी दफा इंशाल्लाह मायूस नहीं होगा। क्या बताऊं यार आप लोगों को, यार जिंदगी में ना बड़े मुश्किल टाइम देखा हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है गुजर गया, बड़ा अच्छा टाइम भी देखा है, अल्लाह ताला इससे भी अच्छा टाइम दे रहा है मुझे, आपको सबको, जितने भी हैं यूट्यूबर सबको अच्छा टाइम दिखाए। नए यूट्यूबर मेहनत करो यार, घबराना नहीं है, किसी का नहीं सोचना, किसी ने आपको कुछ नहीं करना, किसी ने आपको कुछ नहीं देना, अपनी मेहनत के तहत आप खुद कामयाब हो, ये आपकी सबसे बड़ी गुडनेस है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाजमी बताइएगा कैसी लगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।